नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज। विजयपुर में भी दिखे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस। जी हां, अब भी उम्मीद बाकी है ये कहने के लिए इस बार की कप हमारी। हम बात कर रही हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कल के मैच की, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 14 रनों से जीत हासिल की। बैंगलोर की टीम ने 207 रनों के स्कोर को सफलतापूर्वक बचाव किया और लखनऊ के बल्लेबाजों को 193 रनों पर ही रोक दिया। फाक डुप्लेसी की अगुवाई वाली आरसीबी अब दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। वहीं लखनऊ की टीम हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बैंगलोर की तरफ से रजत पाटीदार ने सर्वाधिक 112 रन बनाए और नाबाद रहे, जबकि जोस हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। इनके अलावा दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस मैच की रोमांचकता को देखने के लिए युवा लोग घरों के बाहर लैपटॉप तक लगवाने लगे। कर्नाटक में ज्यादा युवा इस मैच को देखने के लिए बिजी रहे, सब काम छोड़कर चार्ट बस टीवी के सामने लगे रहे। आखिरकार बैंगलोर की टीम में पहली मैच जीत कर उम्मीद जगी है। हालांकि टीम का अब तक का सफर काफी संघर्ष और थोड़ी भगवान की कृपा से जुड़ा है। शायद इस बार कप हमारी हो, यही फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये अच्छी काम है भैया। चलिए टीम का स्कोर है इधर देखो। हाँ जी भाई, प्रोटेस्ट पॉलिटिकल एक्चुअल एक्सीडेंट या एक्सक्लूसिव न्यूज, एफएम एक्सप्रेस न्यूज आपको रखे सबसे आगे। एफएम एक्सप्रेस न्यूज आपकी आवाज हमारी पहुंच। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, स्टैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ साथ पीसीएमबी और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं।